आपका भाई खड़ा हुआ है मदुरई मीनाक्षी टेम्पल वाला बड़ा बन गया यार। भैया ये बताइए भैया कितने साल से आप लोग भी अगर नागपुर में रहते हो तो मेरे ख्याल से आप तो लगी हो, इसलिए आगे सामने लगाते हैं तो मेरे ख्याल से मजा आ जाएगा बाबा। ये इसकी प्लेट सजाई जा रही है, ये हो गया YouTube में चैनल है, अगर कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है जी, वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना, भैया नाम बता जी। मेरे चैनल का नाम है फूडोग्राफी इंडिया। हे गाइस हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल द रेमन ड्रैगन। तो आज आ चुका आपका भाई नागपुर की ब्लॉग में। वैसे नागपुर का ये मेरे ख्याल से 7th ब्लॉग होगा, तो वैसे मैंने सोचा है कि आपने रिश्तेदार वगैरह दिख चुके हैं तो चलते हैं अपन ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं। तो मैंने सोचा आपने रिश्तेदार वगैरह नागपुर में दिख चुके हैं तो ब्लॉग शूट कर मैंने कैसे जा सकता हूं? तो मैंने क्या किया, फटाक से क्या किया, ITPark आ गया। ITPark में आया तो ये अपने मदुरई मीनाक्षी टेम्पल वाला करके लिखा हुआ था शॉप का नाम, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई क्यों ना करें इनका ब्लॉग बनाने के लिए। फिर बाद में देखा तो इनका ब्लॉग पहले से बना रखा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आज आपका भाई बताने वाला है। ये देखो पीछे कितनी सारी रश खड़ी हुई है। इनका सबसे ज़्यादा अप्पे फेमस है, साथ में उपमा करके बोलते हैं वो फेमस है, डोसा फेमस है एक्सेट्रा। तो अपन चलते कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे जो अपन को पसंद आ जाए और मज़ा आ जाए, क्योंकि अपनी साउथ इंडियन टेस्ट मिलने वाली है अपन को नागपुर में। और भैया बहुत ज़्यादा फेमस है नागपुर के, रश देख के आप पहचान सकते हो, देखो कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। और स्ट्रीट फूड्स में आपको बहुत सारे स्टॉल वगैरह दिख रहे होंगे, सबसे ज़्यादा भैया की ही क्राउड है। तो वैसे चलते हैं, सबसे पहले मैं खाने जा रहा हूँ, खा के देख के बताता हूँ कैसा लग रहा है। वैसे ऐसे अच्छा ही लगेगा है ना, और नहीं अच्छा लगेगा तो भी अच्छा ही लगा बोलूँगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को पत्थर से मार देना, तभी आने वाली मेरी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में फटाक से आ जाएगी। तो वैसे मेरे ख्याल से शॉर्ट्स वगैरह देखा होगा कितनी प्यार से वो आप पे निकाल रहे थे, साथ में उन लोग अमूल वाला घी वगैरह डाल रहे थे, तो गार्निश वगैरह बहुत गदर कर रहे हैं। तो चलते हैं अपन सबसे पहले टेस्ट करते हैं और छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं। तो इसी तरह प्यार मिलते रहेगा तो डॉली का सेकंड पार्ट भी बना देंगे। ये देख सकते हो अपन खड़े हुए हैं मदुरई मीनाक्षी टेम्पल वाले अप्पे की दुकान पे, जो नागपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो कितनी सारी रश खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनकी जो अप्पे बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ में सांभर वड़ा हो गया और उपमा हो गया और डोसा मसाला डोसा सब कुछ। तो मैंने सोचा आज इनका क्यों ना कवर करा जाए। तो चलते हैं अपन इनकी रश के बारे में भी जानेंगे कि भाई क्या टेस्ट देते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर आके अप्पे खाते हैं। और तो फील नहीं ना, चार पीस चार प्लेट उत्तप्पा में एक प्लेट ऑनियन उत्तप्पा ऑनियन ऑनियन है ना, हाँ जी टोमेटो भाई दे दो ऑमलेट, हाँ मिक्स कर दे, हाँ हाँ को दो प्लेट, हाँ ठीक है 5 मिनट लगेगा वेट रहे। क्या आप पे है क्या? नहीं नहीं आप डाल दे भैया 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 आप में तो ही आते हाँ दो कमर कर दिया ये इधर बांध के रखा है। नहीं दूसरा दर्रोन अबे इसको काट के बनाना भैया, ये प्लेट बनाना हो गया क्या हो पैसे दे दिया रे क्या यार अंदर वो तुम कड़े आ काका बना है हां हां ले ले साफ टांग काफी डब्बे ये आप लोग देख सकते हो फुल टू फुल साउथ इंडियन डिश बन रहा है यहाँ पर। आपको तो मेरे ख्याल से बहुत रेयर लोग बनाते हैं, तो देखो भैया किधर का आपे बन के तैयार, और साथ ही साथ ये भैया बना के दे रहे हैं गरम गरम ये उत्तपम। साथ ही साथ रश देख सकते हो आप, खतरनाक रश लग रहा है और बिल्कुल रेस्ट नहीं है, भैया बनाते जा रहे हैं बिल्कुल। और ये
उत्तपम के साथ ये इसकी प्लेट सजाई जा रही है। ये हो गया गार्निश, ये सफ़ेद चटनी डाल दिया है और ये लाल चटनी, और ये अब जाने के लिए तैयार। उड़ गया प्लेट। पाँच साल हो गया भैया। पाँच साल हो गया भैया। हाँ। साल में मतलब पूरे नागपुर के लोग को मतलब पूरे अपने फैन बना लिया। हाँ बराबर। इडली वड़ा उपमा डोसा सब ये अपे भी फेमस है, वड़ा फेमस है। इसमें जो आप घी का जो गार्निश वगैरह करते हो? हाँ नहीं करेगा, मेरा दिमाग से ऐसे मदरे का टेस्ट दे रहा हूँ यार। हाँ साउथ इंडियन वाली डिश और स्ट्रीट फूड्स, और देख सकते हो यहाँ पर रश कितना गदर लग रहा होगा क्योंकि भैया की टेस्ट इतना ज़्यादा है, मस्त देते हैं यार, इसलिए तो ज़्यादा भीड़ है। वैसे देखा मैंने गूगल में भैया की ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेटिंग है साउथ इंडियन डिश में, तो इसलिए फटाक से आ चुका आपका भाई भोपाल से यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट कर देना भाई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल बटन को पत्थर से मार देना, तोड़ देना घंटी, तभी आएगा मेरा वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर में। अब अकला रहा हूँ ज़्यादा, अब रोक देता हूँ वीडियो को। आपका भाई खड़ा हुआ है मदुरई मीनाक्षी टेम्पल की शॉप के पास, और भैया बस गरम गरम आप पे बनाते रह रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखते हो सांभर वड़ा बन के तैयार, और साबुदान वाला वड़ा बन के तैयार। भैया ये बताइए भैया कितने साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? पाँच साल हो गए भैया को दुकान लगाते हुए। सबसे चीपेस्ट प्राइस में दे रहे हैं, और साथ ही साथ टेस्ट एकदम मज़ेदार चकाचक टकाटक के साथ। और इडली देख सकते हो 20 रुपीज़, और उत्तपम देख सकते हो उपमा 20 रुपये का है, सांभर वड़ा 30 रुपये का। मेरे ख्याल से चालू होता है 20 रुपये से लेके 60 रुपये में, भैया के इधर बहुत भरपेट खा सकता है इंसान और मज़ा आ जाएगा एकदम। तो सबसे पहले मैं खा के देखता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा लग रहा है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी अगर नागपुर में रहते हो तो मेरे ख्याल से आप तो लगी हो, इसलिए आके खा लेते होंगे। मेरे ख्याल से भोपाल मध्य प्रदेश दिल्ली से कोई आता है तो ज़रूर आके ट्राई करना मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, भैया आई टी पार्क के सामने लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से मज़ा आ जाएगा। बाबा भैया कैसे हो? बढ़िया एकदम, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भैया। तो भैया अभी ब्लॉग बना रहे थे, भैया आपको बताया एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत काफ़ी देखते तो आपको रश भी देख के, और फूड टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। टेस्ट किया, क्या क्या खाया हमने? आपे खाए और डोसा खाए और सांभर वड़ा खाया। जी बेस्ट टेस्ट कौन सा दे रहा है? सबसे बेस्ट देखिए मैं स्पाइसी टंग में है, मैं स्पाइसी कम खाता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे डोसा बहुत सही लगा, लेस स्पाइसी था और एकदम अच्छा था। सांभर का एकदम बढ़िया टेस्ट था, बहुत अच्छा टेस्ट था। जी बिल्कुल, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। भैया का भी यूट्यूब में चैनल है, अगर कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना, भैया नाम बता। जी मेरे चैनल का नाम है फूडोग्राफी इंडिया, और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और भैया का चैनल पहले कीजिए फिर हमारा कीजिए। अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर कंटेंट अच्छा लगा भैया जरूर करिए। बिल्कुल, तो भैया बात करके बहुत खुशी हुई मुझे, थैंक यू। मिलते हैं कभी, मिलने आएगा तो दिल्ली। बिल्कुल आइए दिल्ली, बिल्कुल। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं गुड़गांव रहता हूँ। गुड़गांव में रहते? हाँ जी। अच्छा गुड़गांव में कोई स्कूल है? मैं उसके बगल में रहता था। अच्छा मैं सेक्टर 15 में रहता हूँ। मैं सेक्टर 31 में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, पास पास ही है एकदम। बिल्कुल मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत खुशी। ये देख सकते हो ये मैंने ले लिया मीनाक्षी मदुरई टेम्पल वाली शॉप में, जो आई टी पार्क के सामने नागपुर में है। तो ये मुझे सबसे पहले ये इडली मिला, इडली फुल टू फुल सॉफ्ट है, ये देख सकते हो आप, फुल टू फुल सॉफ्ट और वाइट एंड वाइट। और साथ ही साथ ये मैंने आपे लिया है, जो ऊपर से अमूल का घी डाल के मैंने जो गार्निश वगैरह किया है, और घी की खुशबू तो मस्त आ रही है। और साथ ही साथ ये मैंने लिया है मसाला डोसा, और ये इनकी जो है सांभर, ये तो मेरे ख्याल से पता होगा लेकिन बताना पड़ता है ना यार। और ये है लाल चटनी, और साथ साथ ये, और ये भैया की सफ़ेद चटनी देख सकते हो। और मेरे ख्याल से ऐसी रहनी चाहिए, मेरे ख्याल से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सांभर की जो कंसिस्टेंसी एकदम फुल टू फुल करेक्ट है, और टमाटर चटनी भी करेक्ट है, टमाटर और प्याज की, और ये सफ़ेद चटनी। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं नागपुर की जो स्पेशल वाली, जो मीनाक्षी मदुरई टेम्पल वाली जो इडली है डोसा है, ये मैंने सफ़ेद में लगाया, और ये मैंने लगाया सांभर पे, और ये लगाया लाल वाली पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फी कैमरा ऑन करके। अब ये अपन ने मसाला डोसा निकाला, थोड़ा सा ये आलू लगाया, और ये नारियल की चटनी में सांभर पे,
अब मैंने ये ले लिया बाइट, ये देखो खा लेता हूँ। लाल वाली चटनी सेम प्याज अदरक टमाटर डाल के जो पिसा हो, जो हमारे चेन्नई में बनता है, सेम टू सेम वैसे ही टेस्ट लग रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो लाल चटनी वाकई में पूरी पूरी साउथ इंडियन वाली फ्लेवर दे रही है। सांभर बोला जाए, सांभर में कद्दू डला हुआ है और गाजर वगैरह है, लौकी वगैरह सब कुछ। सांभर का भी टेस्ट एक तरफ से ओके। बाकी ये नारियल की चटनी आप ऊपर से देख सकते हो, ये नारियल की चटनी में नारियल कैसे डूब रहा है। ठीक है, अब आप मसाला डोसा ट्राई करते हो, मेरे ख्याल इडली ओके है, कोई दिक्कत नहीं, आप पे ट्राई करते हैं। ये मैंने लिया आप पे, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, इतना प्यारा लग रहा, देखो। और इसको लगाया अपन ने इस पे, और ये लाल वाली चटनी, और अब इसको अपन बाइट ले लेते हैं। ऊपर से जो आपे बन रहा था जब उनने अमूल का जो घी डाला ना, उसका फ्लेवर पूरा ऊपर ही दिख रहा है, मतलब घी का जो फ्लेवर आ रहा ना, वैसे नहीं कि नाप के लिए डाल देते हैं, वैसे नहीं, घी अंदर तक गया है, टेस्ट एकदम ठीक है। एक तरफ से देखा जाए मेरे को तो अच्छा लगा। नागपुर के लोग आराम से आके अपनी दुकान में आके खा सकते हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वैसे मैं भी साउथ इंडियन हूँ ना, मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है करके, वाकई में अच्छा है। आलू का टेस्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है, और सांभर का टेस्ट भी एकदम मस्त, कि किस जगह पे सांभर का टेस्ट खट्टा हो जाता है, किस जगह कोई कोई मीठा लग देता है, लेकिन भैया का सेम टू सेम चेन्नई वाली स्टाइल में लग रहा है। तो भाई मैंने तो आके यहाँ पर खा लिया है, अगर आप लोग को टाइम मिला तो ज़रूर आके खाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और भैया की दुकान को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।